हेलो एवरीवन, सीएसटी पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, ये हमारा DSSB रिवीजन सीरीज का मॉडल पेपर 6 है, जिसमें हम कुछ मैथ्स के 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस किसी भी पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपका कमेंट हमें मोटिवेट करता है अच्छे से अच्छा वर्क करने के लिए। हम कोशिश करते हैं आपके लिए एक अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लेके आए और शॉर्टकट ट्रिक लेके आए, जो कि ज्यादा प्रैक्टिस किए बिना आप मैथ्स का भी मैक्सिमम पोर्शन सोल्व कर पाए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 1, लेट एक्स बी द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 32, 48, 90 एंड 64 द रिमाइंडर्स आर 20, 36, 78, 52 रिस्पेक्टिवली। What is the sum of the digit of x? x ऐसा नंबर है, अगर उसे 32, 48, 90, 64 से डिवाइड किया करें तो 32 से डिवाइड करके 20 रिमाइंडर, 48 से डिवाइड करके 36 रिमाइंडर, 90 से डिवाइड करके 78 रिमाइंडर और 64 से डिवाइड करके 52 रिमाइंडर आता है। फ्रेंड्स, आप इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा देखोगे जो आपका डिवाइजर है और जो आपका रिमाइंडर है, उनका जो डिफरेंस होगा हर सिचुएशन में क्या होगा, सेम होगा। देखिए, 32 माइनस 20 12, 48 माइनस 36 12, 90 माइनस 78 12, 64 माइनस 52 12। तो इस सिचुएशन में क्या करते हैं हम, रिक्वायर्ड नंबर, अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो रिक्वायर्ड नंबर क्या होता है, रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ डिवाइजर्स माइनस कॉमन डिफरेंस, यानी कि जो इनके बीच का डिवाइजर और रिमाइंडर का डिफरेंस है उसको क्या कर देना है, माइनस कर देना। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या आएगा, एलसीएम, यानी कि पहले हमें क्या चाहिए, 32, 48, 90 और 64 का क्या चाहिए, एलसीएम। सी, कौन सा बड़े से बड़ा नंबर है जो इनको कट कर रहा है, 2 है, जिससे सारे कट हो रहे हैं। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 24, 45 एंड 32। अभी आप देख रहे हो चारों नंबर तो किसी से नहीं जा रहे हैं, लेकिन ये तीन नंबर 4 से आपके जा रहे हैं। 4 4 जा 16, 4 6 जा 24, 45 एज इट इज एंड 4 8 जा 32। अब आप देख रहे हो तीन नंबर 2 से आपके जा रहे हैं, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 45 एज इट इज, 2 4 जा 8। देन 3 से 45 एंड 3 जा रहे हैं, 2 एज इट इज, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 एंड 4। अब एलसीएम देखेंगे हम, आप देख रहे हो 2 है, ये 4 है, 2 और 4 का एलसीएम क्या आ गया, 4, और यहाँ पे ये क्या बचा है, 15, और आपके पास और क्या है, 2 4 जा 8, 8 2 जा 16 एंड 16 3 जा 48। और यू कैन से आप जैसे इजी लगे वैसे करो, 3 2 जा 6, 4 2 जा 6, 4 2 जा 8, 8 6 जा 48। इसको सोल्व कर देंगे, 15 इंटू 9, सॉरी 15 इंटू 4 60, 60 इंटू 48, 60 इंटू 48 करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 60 इंटू 48 आपने किया। आप जितना हो सके, मैं आपको बताने के लिए कि कंफ्यूजन ना रहे लिख रही हूँ स्टेप, ये जितना हो सके ओरली कैलकुलेशन करके फटाफट एलसीएम निकाल दीजिए। 0 8 6 जा 48, 4 कैरी, 6 4 जा 24 प्लस 4 28 माइनस, आपको क्या बताया, कॉमन डिफरेंस। 10 में से 2 लेस किया 8, 7 में से 1 गया 6 एंड देन 8 एंड 2, कितना हो गया ये, 8 और 2 10 और 14 24। आपसे पूछा था जो नंबर है उसकी कितनी डिजिट का सम कितना है, अगर पूछा होता नंबर क्या है तो नंबर क्या होता, 2868, और डिजिट का सम पूछा है तो डिजिट का सम कितना आ रहा है, 24। क्लियर है। एलसीएम कोशिश करना इस तरह से आप करो कि जितना हो सके कम से कम आपको टाइम कंज्यूम हो, क्योंकि मैं जनरलाइज लेके चल रही हूँ, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो एलसीएम में भी गलती करते हैं, इसलिए थोड़ा सा मैं स्टेप दिखा रही हूँ, बट यू कैन अडॉप्ट योर ओन वे, और स्पीड में आपने कैलकुलेशन करना है और दिमाग में सेट रखना है ये फॉर्मूला और इनके बीच का डिफरेंस क्या रहना चाहिए, कॉमन।
मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू, 0.16363 के ऊपर बार है इसमें, 0.25 बार, 0.16 बार इज इक्वल टू, आपसे पूछा ये किसके इक्वल होगा, बार का मतलब क्या है, वो नंबर बार बार रिपीट होता है, यानी कि वो कैसा डेसिमल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। 163 बार का मतलब क्या हुआ, 63 63 63 बार बार आता जाएगा। इसी तरह से 2.5 बार का मतलब क्या हुआ, 0.25 का 25 25 25 बार बार आता जाएगा, ठीक है। देन ये दोनों प्लस हैं, प्लस कर देते हैं, और दूसरा वाला नंबर इसमें से क्या करना है, माइनस 0.1818। सी नंबर के नीचे नंबर रखना, आपको कंफ्यूजन ना रहे, जिससे कि 6 प्लस 5 11, 11 में से 8 लेस किया 3, 3 प्लस 2 5, 5 में से 1 लेस किया 4, 6 प्लस 5 11, 11 में से 8 लेस किया 3, 1 प्लस 2 3 3 में से 1 लेस किया 2, ये आ गया आपका 0.2343 एंड सो। आप देखोगे 3 4 फिर 3, यानी कि 3 4 के बाद फिर 3 आ गया, इसका मतलब रिपीटेशन स्टार्ट हो गई, यानी कि रिपीटेशन किसकी हो रही है, 3 4 की, चाहे तो एक डिजिट और इंक्रीज करके आप देख सकते हो 4 ही आएगा यहाँ पे, यानी आंसर क्या हो गया, 0.23 बार, 0.23 बार, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इस टाइप का क्वेश्चन भी हर बार एग्जाम में आता ही आता है, कभी प्लस माइनस करके, या फिर इस तरह से आ जाता है कि ये आपको एक कोई भी एक पार्ट दे देंगे और उसको पूछ लेंगे, इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में राइट कीजिए, तो पीजीटी और टीजीटी में तो मस्ट है कि इस टाइप की एक वैरायटी होती ही होती है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 12 एंड देयर सम इज 384, हाउ मेनी सच पेयर ऑफ नंबर आर पॉसिबल। एचसीएफ 12 है और उनका सम क्या है, 384। HCF का मतलब क्या होता है, कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हमने एज्यूम कर लिए दो नंबर हैं x एंड y, और इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना गिवन है, 12। अगर इसका सोल्यूशन करें तो इन दोनों का समेशन, यानी कि दोनों नंबरों का सम क्या गिवन है आपको, 384। दोनों नंबरों का सम 384 गिवन है, इंक्लूडिंग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो दोनों में क्योंकि 12x 12y हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तो मैंने इसे बाहर लिख दिया। अब मैंने देखा कि x प्लस वाई का आंसर क्या आ रहा है, 12 मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके क्या करेगा, डिवाइड, 12 3 जा 36, 12 2 जा 24, यानी कि x प्लस वाई ऐसा नंबर है जिनके डिजिट का सम क्या आ रहा है, 32, 12 ऑलरेडी कॉमन है, तो अब आपने बचे हुए नंबर में देख लेना है कि 32 के कितने पेयर बनेंगे, ऐसे दो नंबर हो गए जिनका सम क्या आता है, 32, तो क्या हो सकता है, 132 हो सकता है, सॉरी 131 हो सकता है, एंड सो ऑन, इस तरह से सोच लेंगे आप, 2 30, सम 32 होना चाहिए, 3 29 एंड सो ऑन, इस तरह से आप जाते जाओगे और कहाँ पे पहुंचोगे अल्टीमेटली, 16 16 16, और 16 कितना होता है, 32, क्योंकि उसके बाद रिपीटेशन शुरू हो जाएगी, देन आप आगे क्या हो जाएगा, 17 15, जो कि ऑलरेडी आ चुका है, क्लियर है, तो इस तरह से रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगी, तो हमें देखना है कि जहां तक रिपीटेशन आए वहां तक हमें करते जाना, क्योंकि इसके बाद जाओगे तो फिर क्या हो जाएगा, 17 15 15 ऑलरेडी आ चुका है, तो 15 17 हो या 17 15 हो, दो नंबर एक जैसे ही हैं, इसलिए जहां पे रिपीटेशन आ जाए वहां पे हमने क्या कर देना है, स्टॉप कर देना है, क्लियर। अब आप देख रहे हो 1 से स्टार्ट है नंबर और लास्ट हो रहा है 16 पे, यानी कि ऐसे कितने पेयर बन रहे हैं, 16 पेयर बन रहे हैं। अब ये मत सोचना कि ये तो 1 और 31 है, इसमें 12 कैसे कॉमन आ गया, 12 ऑलरेडी हम इसमें कॉमन लेके चल रहे थे, ये जो सम है 32, ये 12 कॉमन लेने के बाद नंबर का बचा हुआ सम है, 12 हमने कॉमन लेके इस सम में से कट कर दिया है, यानी कि 12 ऑलरेडी इसके साथ चल रहा है, क्लियर। तो कितने पेयर हो गए, 16 पेयर हो गए, डी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, लेट x इज इक्वल टू 623 की पावर 57 माइनस 27 की पावर 30, देन व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ x, x की यूनिट डिजिट क्या होगी। क्या करते थे इस सिचुएशन में, जो पावर है उसे 4 से डिवाइड करते हैं, 57 को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1,
जितना रिमाइंडर आता है उसे वंस प्लेस की पावर रख देते हैं। सिमिलरली 30 को 4 से डिवाइड करोगे 28 आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा 2। वंस डिजिट को की पावर क्या रखते हैं, रिमाइंडर, यानी क्या हो गया 3 की पावर 1, 3, 7 की पावर 2, 49, वंस डिजिट 3 और ये 9, 13 में से 9 लेस किया 4, क्योंकि आगे बहुत सारा नंबर होगा, इसमें भी आगे बहुत सारा नंबर होगा, हमें वंस डिजिट सिर्फ बताना है। तो वंस डिजिट यहाँ पे 3 है, ऑब्वियसली आगे से बोरो कर लेगा, तो 13 में से 9 लेस किया 4, तो यूनिट डिजिट क्या आ गई 4 आ गई। क्लियर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इफ द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज इंक्रीज बाय 50%, बट बाय व्हाट परसेंटेज इट्स वॉल्यूम विल इंक्रीज। अगर स्फीयर की रेडियस को 50% से बढ़ा दिया जाए तो उसकी वॉल्यूम कितने परसेंट बढ़ जाएगी। आप चाहे तो इसको 100 मान के शुरू कर लीजिए, लेकिन 100 से कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाती है। आप चाहो तो एक तरीका यह है कि ऐसे करो, ओरिजिनल सपोज करो 100 थी, तो यानी कि वॉल्यूम क्या हो गया 4/3 πr³, ठीक है। और इंक्रीज होने के बाद 50% इंक्रीज हो जाएगा, था 4/3 πr³, यानी कि 150 का³, ठीक है। लेकिन इस तरह से टाइम वेस्ट होता है, सीधा सीधा इस तरह के क्वेश्चन के फंडा ये रखना है, 50% है तो ऐसा नंबर एज्यूम कर लो जिससे कि आप उसका आसानी से 50% कर सके। देखिए ये पोर्शन दोनों में कॉमन होगा, डिफरेंस किसका आएगा, डिफरेंस आएगा सिर्फ रेडियस का, तो कितने परसेंटेज इंक्रीज होगा उसको क्या है डिफरेंस, और डिफरेंस क्या आएगा चेंज का, वो कैसे करना है आपने, पहले आपने ऐसा नंबर एज्यूम करना है जो आसानी से 50% हो जाए। मैंने माना कि ओरिजिनल जो रेडियस थी वो 2 थी, यानी कि रेडियस 2 थी, 50% बढ़ने के बाद ओरिजिनल 2 है और 2 का 50% इंक्रीज हो गया, 2 का 50% क्या हो गया 1, यानी कि पहले रेडियस 2 थी अब 3 हो गई, तो डिफरेंस क्या हो गया 3³ - 2³। आई एम रिपीटिंग, 3³ - 2³ डिफरेंस हो गया, क्योंकि ये पोर्शन कॉमन आता है और एग्जाम में टाइम सेव करना है, तो प्रैक्टिस करते समय ये चीज सेट करके जाएंगे। अगर इस तरह की सिचुएशन आती है तो हम ऐसा नंबर एज्यूम करना है जिससे आसानी से 50% भी कर ले और कैलकुलेशन भी छोटी हो। तो मैंने 2 रेडियस एज्यूम किया, 2 ओरिजिनल 50%, 2 का 50% 1, यानी कि कितनी हो गई इंक्रीज होके 3। परसेंटेज चेंज निकालने के लिए क्या लेते हैं, चेंज, चेंज क्या होगा 3³ - 2³ अपॉन ओरिजिनल। ओरिजिनल क्या होगा, जो इनिशियल था, जो ओल्ड था, वो क्या था 2³। किसी भी चीज का परसेंटेज निकालना हो तो क्या करते हैं 100। क्या आ गया ये 3³ - 9, 9³ - 27, 27 - 2³ - 8, 27 - 8 क्या आ जाएगा 19। 2³, 2³ का मतलब क्या हो गया 2² = 4, 4² = 8। इसको सोल्व किया, 4² = 8 और 4 से किया 25, इसको कट किया 2 से, तो ये क्या हो गया 2⁸ = 6, 2⁹ = 18, 2⁵ = 10, 25 × 9.5, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 5⁵ = 25, 5 का 5 2 कैरी, 9⁵ = 45 प्लस 10, 55 प्लस 2 कैरी था 57, 5 कैरी, 9² = 18, 18 + 5 23, 1 प्लेस के बाद क्या है डेसिमल। आई एम रिपीटिंग, हमारा बचा था 9.5 × 25, मैंने वन स्टेप में इसको सोल्व किया, 25 × 95, 5⁵ = 25, 2 कैरी, 9⁵ = 45, 5² = 10, 45 + 10 55, 2 कैरी 57, देन अगेन 5 कैरी, 9² = 18, 18 + 5 = 23, डेसिमल 1 प्लेस के बाद है, 1 प्लेस के बाद लगा दिया, तो परसेंटेज चेंज कितना आ गया 237.5। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, क्योंकि अगर ये कैलकुलेशन आप खोलोगे काटोगे इट टेक्स टाइम, तो बेटर है जितना हो सके कैलकुलेशन को छोटा रखो और कॉमन पार्ट को कैलकुलेशन में कंसीडर ही नहीं करो। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। मेरी कोशिश ये है कि जितना हो सके ऐसा मेथड आपको बताऊं जो टाइम सेविंग हो, क्योंकि यहाँ पे हम रिवीजन कर रहे हैं,
तो इसलिए मैं फुल फ्लैश सॉल्यूशन नहीं आपको बता रही हूँ, मैं ऐसा तरीका बता रही हूँ जो एग्जाम में आपको अडॉप्ट करना है. ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 40 आवर्स, बी कैन डू द सेम पीस ऑफ वर्क इन 60 आवर्स, इन हाउ मेनी आवर्स विल द वर्क बी कंप्लीटेड इफ ए लीव्स 10 आवर्स बिफोर द एक्चुअल कंप्लीशन ऑफ द वर्क. काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा अगर ए जितने दिन में काम पूरा हो उससे 10 घंटे पहले 10 आवर्स बिफोर वर्क को ड्रॉप कर देते हैं. क्लियर. तो इसमें एक चीज छिपी हुई है क्वेश्चन में, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये पीजीटी के DSSSB में, कि दोनों ने एक साथ काम किया. एक लाइन और होनी चाहिए थी लेकिन आपको एज्यूम करना है क्योंकि उसने कहा कि ए लीव्स द वर्क, इसका मतलब क्या है कि दोनों ने साथ में काम किया होगा क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग यही सिचुएशन बन रही है. सी 40 और 60 मैंने टाइम्स एंड टाइम एंड वर्क के ऊपर बहुत सारी वीडियो बना के डाली हुई है, आप वहां से शॉर्टकट सीख सकते हैं. यहाँ पे आपको मैं डायरेक्टली बता रही हूँ कि अगर इस तरह की सिचुएशन होती तो हम क्या करते हैं, इनका क्या लेते हैं एलसीएम. 40 और 60 का एलसीएम क्या हो गया 120. वो तरीका क्या बताया हुआ है कि जो बड़ा नंबर है उसमें काउंट करो, छोटे नंबर कट हो रहा है तो वही एलसीएम. 60 1 जा 60, 40 के टेबल में नहीं आता. 60 2 जा 120, चेक करो क्या 40 के टेबल में 120 आएगा. यस, तो यही क्या हो गया इसका एलसीएम. फिर वन डे या वन आवर वर्क कैसे निकालते थे, ये हो गया टोटल वर्क. 40 आवर्स लगते हैं यानी कि 1 आवर का वर्क क्या हो गया 120 डिवाइडेड बाय 43. 120 डिवाइडेड बाय 62. ए एक घंटे में 3 काम करता है, बी एक घंटे में 2 काम करता है और दोनों मिलकर एक घंटे में कितने काम कर रहे हैं, 5 काम कर रहे हैं. यानी कि अगर कंप्लीशन की मैं बात करूं, 120 वर्क है और दोनों एक घंटे में 5 काम करते हैं तो काम कितने टाइम में पूरा हो जाएगा, कितने टाइम में पूरा हो जाएगा हमारा 5 1 जा 5, 5 4 जा 20. ठीक है, 14 डेज में काम क्या हो जाएगा पूरा. अब इससे 10 घंटे पहले काम छोड़ दिया ए ने ड्रॉप कर दिया 10 घंटे पहले, यानी कि दोनों ने कितने घंटे काम किया साथ में, 4 घंटे. दोनों मिलके एक साथ एक घंटे में 5 काम करते हैं और दोनों ने 4 घंटे काम किया है तो कितना काम का पोर्शन कंप्लीट हो गया, 20. 120 टोटल काम था, उसमें से 20 दोनों ने मिलके खत्म कर दिया, बच गया 100. रिमेनिंग वर्क को किसने कंप्लीट किया, रिमेनिंग वर्क को बी ने कंप्लीट किया. टोटल रिमेनिंग वर्क था 100 और बी जो है एक घंटे में 2 काम करता है, इसका मतलब रिमेनिंग वर्क कितने घंटे में करेगा वो, 50 आवर्स. बी ने रिमेनिंग वर्क को 50 आवर्स में किया है और दोनों ने मिलकर 4 आवर्स एक साथ काम किया है तो टोटल काम खत्म करने में आवर्स कितने हुए, 54. ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. क्लियर. मूविंग ऑन द क्वेश्चन नंबर 7, By selling 16 article, a person lost the selling price of 4 article. 16 article sold करने के बाद एक बंदे को loss होता है 4 article के equal. तो आपको बताना है what is loss percentage. मैंने assume किया selling price जो है per item rupees 1 है, per item 1 rupees है, 16 article sold किए हैं तो कितना selling price हो गया, 16 rupees. लॉस कितना हो रहा है, 4 आर्टिकल की सेलिंग प्राइस के इक्वल, यानी कि 1 × 4, 4. सीपी क्या होता है, सीपी इज इक्वल टू एसपी प्लस लॉस. सीपी इज इक्वल टू एसपी प्लस लॉस. तो यहाँ पे सीपी क्या आ गया, 16 प्लस 4 यानी कि 20. अब परसेंटेज निकाल दीजिए, लॉस का परसेंटेज क्या होगा, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100. इसको कट किया 4 5 जा 20, 2 5 से कट किया 5 2 जा 10, यानी कि 20% इज द राइट आंसर. क्लियर है, ये आपको समझाने के लिए मैंने लिखा, आप चाहो तो ओरली कर सकते हो. 16 1 जा 16 सेलिंग प्राइस, 4 1 जा 4 लॉस, सीपी होता है एसपी प्लस लॉस यानी कि 20, 4 upon 20 × 100 यानी कि 20%. ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8,
इफ वन अपॉन ए रेशो वन अपॉन बी रेशो वन अपॉन सी इज इक्वल टू 2:3:7 देन ए रेशो बी रेशो सी इज इक्वल टू सी हमें वन अपॉन ए रेशो वन अपॉन बी रेशो वन अपॉन सी गिवन है 2:3:7 इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं बोथ साइड ए रेशो बी रेशो सी क्या हो जाएगा 1/2, 1/3 एंड 1/7 इसको सोल्व करोगे तो क्या बन जाएगा ये एलसीएम लेके कॉमन कर देते हैं 3 2 6 6 7 42 और यू कैन से हमें इसका कुछ काम नहीं है ऐसे लिख दो 2 × 3 × 7 कुछ कॉमन तो है नहीं यहाँ पे 2 है कंपेयर करोगे तो किसकी कमी है 3 और 7 की यानी कि 3 7 = 21 3 ऑलरेडी है 2 और 7 नहीं है यानी कि 14 7 है 3 और 2 नहीं है यानी कि 6 तो ए रेशो बी रेशो सी क्या हो जाएगा 21:14:6 ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9 ए पर्सन स्पेंड 2/5 ऑफ हिज मनी ऑन फूड 1/3 ऑफ द रिमेनिंग ये ध्यान रखना है रिमेनिंग ऑन क्लोथ्स यानी कि टोटल जो पैसे थे उसका 2/5 फूड पे खर्च कर दिया बचे हुए का 1/3 क्लोथ्स पे एंड 2/3 ऑफ द रिमेनिंग ऑन ट्रांसपोर्ट इफ ही लेफ्ट ₹760 ये तीनों खर्च करने के बाद उसके बाद 760 बचे हाउ मच मनी ही हैड इन द बिगनिंग तो शुरुआत में उसके पास कितने पैसे थे हमने एज्यूम किया टोटल मनी थी 1 में से उसने स्पेंड कर दिया 2/5 तो कितना पोर्शन बचा 3/5 अब 3/5 का 1/3 उसने क्लोथ्स पे खर्च कर दिया 1/3 खर्च कर दिया रिमेनिंग का तो बचा कितना 2/3 ये रिमेनिंग हो गई फिर रिमेनिंग का 2/3 उसने ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च कर दिया यानी कि बचा कितना 1/3 सिंप्लीफाई करोगे ये रिमेनिंग आ गया और रिमेनिंग वैल्यू में कितना गिवन है 760 3 से 3 कैंसिल ये हो गया 2/15 2/15 की वैल्यू क्या है 760 और हमने 1 एज्यूम किया था 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 760 × 15/2 2 3 6 2 8 16 0 15 8 120 12 carry 15 3 45 45 plus 12 कितना आ गया 5700 इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10 ए पर्सन मेक्स हिज गुड एट 40% अबव द कॉस्ट प्राइस एंड अलाउ अ डिस्काउंट ऑफ 25% व्हाट इज हिज गेन अगर आपको 2% दिए हैं चाहे तो दोनों इंक्रीमेंट हो या एक इंक्रीज एक डिक्रीज हो दोनों में से कोई भी तो 2% का सिंपल सा ट्रीटमेंट होता है जो कि मैंने आपको पहले भी बताया है ओवरऑल आपको प्रॉफिट या लॉस देखना हो ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस अगर आपने देखना है तो क्या फंडा होता है R1 यानी कि रेट 1 प्लस रेट 2 × रेट 2/100 अगर प्लस है तो रेट को प्लस रखिए माइनस है तो माइनस रखिए ठीक है रेट को अकॉर्डिंगली रखना है कि ओन अबव हो रहा है लेस हो रहा है डिस्काउंट है गेन है उसके अकॉर्डिंग सोचना है तो पहले क्या है 40% अबव द कॉस्ट प्राइस मीन्स एड ऑन हो रहा है 40 फिर 25% डिस्काउंट है यानी कि लेस हो रहा है 25 रेट 1 40 रेट 2 −25/100 25 × 4 = 100 4 से कट किया 10 40 ± −25 ± −10 40 − 35 क्या हो गया 5 तो ओवरऑल प्रॉफिट कितना हो रहा है 5 अगर पॉजिटिव आंसर आया तो ओवरऑल प्रॉफिट है और अगर नेगेटिव आंसर आया तो क्या है लॉस ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ठीक है ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए
अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।